क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री में आज बात पीएम नरेंद्र मोदी के इसी साल 29 जून को दिए भाषण की, जिसमें उन्होंने दिव्यांगों की मुश्किलों की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय दिव्यांगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री दिव्यांगों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गुजरात के राजकोट पहुंचे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे परिवारजन, ऐसे सभी दिव्यांगजन भाई और बहनों, अभी विजय भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसी शासकीय कार्यक्रम के निमित्त 40 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री का राजकोट आना हुआ है। मुझे बताया गया कि आखिर में प्रधानमंत्री के तौर पर राजकोट में श्रीमान मुरारजी भाई देसाई आए थे। मेरा यह सद्भाग्य है कि मुझे आज राजकोट के जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरे जीवन में राजकोट का विशेष महत्व है। अगर राजकोट ने मुझे गांधीनगर चुनकर के न भेजा होता तो आज देश ने मुझे दिल्ली में न पहुंचाया होता। मेरी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ राजकोट के आशीर्वाद से हुआ, राजकोट के भरपूर प्यार से हुआ, और मैं राजकोट के इस प्यार को कभी भी नहीं भूल सकता। मैं फिर एक बार राजकोट की जनता जनार्दन को सर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और बार बार आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। जिस समय एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना, प्रधानमंत्री पद का दायित्व निश्चित हुआ और उस दिन मैंने भाषण में कहा था मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। ये मेरे दिव्यांगजन, देश में करोड़ों की तादाद में दिव्यांगजन है और दुर्भाग्य से अधिकतम मात्रा में जिस परिवार में ये संतान जन्म लेता है ज्यादातर उस परिवार के जिम्मे ही उसका लालन पालन होता है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, मैंने कई ऐसी माताएं देखी हैं, 25 साल, 27 साल, 30 साल की उम्र है, जीवन के सारे सपने बाकी है, शादी के बाद पहला संतान हुआ और वो भी दिव्यांग हुआ और मैंने देखा है उस पति पत्नी ने, उन मां बाप ने अपने जीवन के सारे सपने उस बालक को नौछावर कर देते हैं
जीवन में यही की सपना रहता है कि परिवार में पैदा हुआ ये दिव्यांगजन, ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है और इस दायित्व को ईश्वर भक्ति की तरह हमें निभाना है। ऐसे लाखों परिवार हमारे देश में, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ईश्वर ने शायद एक परिवार पसंद किया होगा, उसके घर में किसी दिव्यांग जन का आगमन हुआ होगा, परमात्मा को शायद भरोसा होगा कि यही परिवार है, उसकी संवेदनशीलता है, उसके संस्कार है, वही शायद इस दिव्यांग बच्चे को पालन करेगा, इसलिए शायद परमात्मा ने उस परिवार को पसंद किया होगा। लेकिन भले वो किसी एक परिवार में पैदा हो, लेकिन दिव्यांग ये समग्र समाज की जिम्मेवारी होती है, पूरे देश का दायित्व होता है और इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए। हमारे भीतर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने राजकोट में बिताए गए शुरुआती दौर की बात की और कहा कि दिव्यांगों की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा उन्हें इसी शहर ने दिया। जब मैं गुजरात में था तब भी इन कामों पर मैं बल दे रहा था। राजकोट के अंदर ही हमारे डॉक्टर पीवी दोषी भी इस प्रकार की एक स्कूल के साथ जुड़े थे, उसके कारण मुझे लगातार उन बच्चों से मिलने का मौका मिलता था, उनके साथ जाने का मौका मिलता था। और मैं डॉक्टर दोषी साहब जिस प्रकार से भक्ति भाव से उस स्कूल में उन दिव्यांग बालकों के प्रति प्यार भरा नाता जोड़ करके रहते थे, उनकी एक बेटी भी इस काम के लिए समर्पित थी, ये चीजें मैंने जो देखी थी, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, बहुत छोटी आयु थी, डॉक्टर दोषी जी के घर कभी आया करता था और कभी उनके साथ जाता था, तो मन पे एक संस्कार हुआ करते थे, एक संवेदना चेतना जगती रहती थी। और जब सरकार में आया, जिम्मेवारी मिली, आपको याद होगा हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया था, सामान्य रूप से स्वस्थ सामान्य बालक को एग्जाम पास करने के लिए 35 मार्क की जरूरत पड़ती है 100 में से। हमने निर्णय किया था कि दिव्यांग बालक को मिनिमम 25 मार्क हो तो भी उसको पास माना जाए, क्योंकि एक स्वस्थ बालक को अपनी जगह से उठ करके किताब लेने में जितना, अलमारी में से किताब लेने में जितना समय जाता है, दिव्यांग बालक को उससे 3 गुना समय जाता है, 3 गुना शक्ति लग जाती है, ऐसे बालक को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। और गुजरात में जब हमारी सरकार थी, मैं जब यहां काम करता था, उस समय मुझे ऐसे कई निर्णय करने का अवसर मिला। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद दिव्यांगों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था और वो फैसला था बोलने सुनने में लाचार दिव्यांगों के इस्तेमाल के लिए देश भर में एक स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज लागू करना। इस फैसले से अलग अलग भाषाई इलाकों के दिव्यांगों का आपसी संवाद का रास्ता खुल गया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका खास तौर से हवाला दिया। देखने लगे कि भाई आखिर इन विषयों में क्या हाल है। सिर्फ हमने दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग शब्द खोज करके अपना काम पूरा नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं एक बहन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है, उनको समझा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी, आजादी के 70 साल के बाद भी ये जो
निशानी की जाती है, साइनिंग की जाती है अलग अलग भाषा समझाने के लिए। हिंदुस्तान के हर राज्य में वो अलग अलग थी, भाषाएं अलग थी, वो तो मैं समझता था, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए एक्शन की थी उसमें भी बदलाव था। इसके कारण अगर तमिलनाडु का दिव्यांगजन है और गुजरात की कोई टीचर है तो दोनों के बीच में संवाद संभव नहीं था। ये भी जानती थी कि दिव्यांग के साथ कैसे बात करना, वो भी जानता था कौन सी निशानियां, लेकिन तमिल भाषा में जो पढ़ाई गई वो निशानियां अलग थी, गुजराती में पढ़ाई गई निशानियां अलग थी। और इसलिए पूरे देश में मेरा दिव्यांगजन कहीं जाता था और कुछ कहता था तो समझने के लिए इंटरप्रेटर नहीं मिलता। हमने सरकार में आने के बाद, काम बड़ा है या छोटा वो बात का विषय है, लेकिन सरकार संवेदनशील होती है तो कैसे सोचती है। हमने कानून बनाया और देश के सभी बालकों को एक ही प्रकार की निशानी सिखाई जाए, एक ही प्रकार के टीचर तैयार किए जाए, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इतना ही नहीं, हमने उस साइनिंग सिस्टम को स्वीकार किया है कि अब हिंदुस्तान का बालक दुनिया के किसी देश में जाएगा तो भी निशानी से अगर उसको सीखना है तो वो लैंग्वेज उसको अवेलेबल हो गई है। काम भले छोटा लगता हो लेकिन एक संवेदनशील सरकार किस प्रकार से काम करती है इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 92 से याद रखिए, 1992 से सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को साधन देने के विषय में विचार हुआ, बजट देना शुरू हुआ, आजादी के इतने साल के बाद हुआ। आपको जानकर के हैरानी होगी, 92 से लेकर के 2013 तक, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी तब तक, इतने सालों में देश में सिर्फ 55 ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें दिव्यांग जनों को बुला करके कोई साधन दिए गए थे, 55। भाइयों बहनों, 2014 में आए, आज 2017 है, 3 साल के भीतर भीतर हमने 5500 कार्यक्रम किए, 5500। पच्चीस तीस साल में 55 कार्यक्रम, 3 साल में 5500 कार्यक्रम, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार की संवेदना कितनी है। सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को चरितार्थ करने का हमारा मार्ग क्या है। और भाइयों बहनों, एक से बढ़कर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर स्थापित कर रहे हैं हम दिव्यांग जनों की मदद के वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज भी राजकोट ने 18,500 दिव्यांग जनों को एक साथ एक ही सत्र के नीचे साधन सहाय का एक विश्व रिकॉर्ड आज प्रस्थापित कर दिया है। मैं गुजरात सरकार को, राजकोट के अधिकारियों को और सभी मदद करने वाले बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि मेरे दिव्यांग जनों की चिंता करने के लिए इतना आगे आए। अभी मैं कुछ साधन यहां टोकन रूप कुछ दिव्यांग जनों से दे रहा था, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता था, उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता था, जो खुशी नजर आती थी, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। दोस्तों, और हमारे गहलोत जी जब भी कोई कार्यक्रम बनाते हैं और कभी मुझे आग्रह करते हैं तो मेरे और कार्यक्रम को आगे पीछे करके भी
दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में जाना मैं पसंद करता हूं। मैं इसे प्राथमिकता देता हूं क्योंकि एक समाज के अंदर ये चेतना जगना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां रेल के डिब्बे में जाना है सामान्य मानवी के लिए तो सब कुछ मुश्किल लगता नहीं है, बस में चढ़ना है सामान्य मानवी को लगता नहीं है। हमने आकर के एक सुलभ योजना का बड़ा अभियान चलाया है, देश भर में सरकारी हजारों की ऐसी जगह पर ढूंढ के निकाली है जहां सामान्य ऐसे नागरिकों को जाना है तो वहां दिव्यांगजनों को भी जाना है तो उनके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म अलग प्रकार से हो, ट्रेन के अंदर चढ़ने का उनके लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाए, सरकारी दफ्तर हो तो ट्राइसिकल लेके आता है तो सीधी सीधी साइकिल अंदर तक चली जाए, टॉयलेट हो। आप कल्पना कर सकते हैं अगर दिव्यांग जन को उसके अनुकूल टॉयलेट नहीं मिलेगा तो उसका हाल क्या होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। और जब तक हम इन चीजों को देखते नहीं, समझते नहीं, सोचते नहीं है तो हमें अंदाज नहीं आता है कि चलो यार चल जाएगा वो तो एडजस्ट कर लेगा। जी नहीं भाई, हम लोगों को जागरूक होकर के अरे अपना मकान बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे तो भी ये सोच के बनाएंगे कि कोई भी दिव्यांगजन मेहमान बनकर के आएगा तो भी उसको लिफ्ट में जाना है तो सरलता से जा पाएगा, टॉयलेट जाना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। समाज का एक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए और हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है और उसका परिणाम आज हजारों ऐसे स्थान पर ये सुलभ व्यवस्थाएं निर्माण होने लगी हैं, उसका काम होने लगा है, मॉडल पक्के हो गए। अब जितनी नई इमारतें बनती हैं उन इमारतों में दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था ये भारत सरकार में कंपलसरी कर दिया गया है। कृत्रिम अंगों के जरिए दिव्यांग कैसे शारीरिक कमियों पर विजय पाकर कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं इसके मिसाल रोज हम देख रहे हैं। राजकोट के भाषण में पीएम मोदी ने ये बात दोहराई और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से अपील की कि वो तकनीक और इनोवेशन के जरिए दिव्यांग भाई बहनों की जिंदगी बदलने में मदद करें। स्टार्टअप की दुनिया में काम करने वाले नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, दुनिया में दिव्यांगजनों के लिए किस किस प्रकार के नए आविष्कार हुए हैं, कौन सी नई चीजें डेवलप हुई हैं, कौन से नए इनोवेशन हुए हैं। दिव्यांग जन सरलता से अपनी जिंदगी का गुजारा उस एक एक्स्ट्रा साधन से कर सकता है वो कौन सा है, अगर आप स्टडी करेंगे मेरे नौजवान तो आपका भी मन करेगा कि आप भी इसमें इनोवेशन करें। आप इंजीनियर हैं तो आप भी सोचेंगे, आपके पास कौशल्य है आप भी सोचेंगे और आप स्टार्टअप के द्वारा इनोवेशन के द्वारा उन नई चीजों को प्रोडक्ट कर सकते हैं जिसका हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ा मार्केट है। करोड़ों की तादाद में हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के साधनों के संशोधनों की जरूरत है, रोजगार के लिए ऐसा नया अवसर है। मैं स्टार्टअप की दुनिया के नौजवानों को निमंत्रण करता हूं कि आप दिव्यांगजनों के लिए इस प्रकार की चीजें बनाने के लिए प्रयोग लेकर के आइए। सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद करने का भरपूर प्रयास करेगी ताकि दिव्यांगजनों की जिंदगी में बदल लाने में इन नए आविष्कार काम आ सके। भाइयों बहनों, ऐसी अनेक योजनाएं भारत सरकार ने गरीबों के लिए की। हमारा सपना है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। 70 साल बीत गए,
करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने का अपना घर नहीं है। भाइयों बहनों, 2022 तक हिंदुस्तान के हर उस परिवार को अपना मकान हो, ये सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर परिवार को अपना छत हो, रहने के लिए घर हो, और घर भी जिसके अंदर शौचालय हो, बिजली हो, पानी का नलका हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बुजुर्गों के लिए नजदीक में दवाई की व्यवस्था हो। 2022 तक काम बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। जो काम 70 साल में करने में दिक्कत आई, उसको 5 साल में करना कितना कठिन होगा, इसका मुझे पूरा अंदाज है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर 30 साल में 55 कैंप लगते हैं और 3 साल में 5500 कैंप लग सकते हैं, तो 75 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में भी हो सकता है। करने का मजा चाहिए, इरादा चाहिए, देश के लिए जीने की तमन्ना चाहिए, परिणाम अपने आप मिलता है दोस्तों। और उसी भाव से इस काम को करने का हमारा प्रयास है। 29 जून को राजकोट में हुए उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,500 दिव्यांगों को जिंदगी आसान बनाने वाली विशेष किट सौंपी थी। इसमें कृत्रिम अंग के साथ ट्राईसाइकल समेत और कई चीजें शामिल थी। गिनीज बुक ने इसे दिव्यांगों की मदद का सबसे बड़ा आयोजन मानते हुए इसे विश्व रिकॉर्ड में जगह दी। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, में सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। कहते हैं प्रधानमंत्री।